मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू INS मैम। थैंक यू सो मच। अपहरण टू की बात की जाए तो आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक्टिंग के उसमें आ गई हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक की? जैसा कि मैं सबसे कहती हूँ, ये जर्नी एकदम फिल्म की तरह है। बड़ा ही संजोग की बात है कि मैं पर्दे के सामने अब परफॉर्म कर रही हूँ, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक्टर बनने में अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत मेहनत लगती है, तो खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। अपहरण टू की बात की जाए तो आपने ये रोल कैसे बैक किया, क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे मिल गया आपको ये रोल? ओके, तो ये ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर अपहरण सीज़न वन में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर का की तरह काम कर रही थी, और उसमें एक छोटा सा पार्ट था जिसके लिए हम कास्टिंग नहीं कर पाए थे। वो पार्ट मैंने खुद ही साड़ी पहन के कर डाला था, और उसके बाद वो वायरल हो गया और बहुत प्यार मिलने लगा लोगों का, और लोगों ने नाम रख दिया BC आंटी, इंटरनेट की जनता ने नाम दे दिया BC आंटी। तो फिर उससे मैंने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू कर दिया, और ऐसे करते करते वो इंस्टाग्राम पेज भी काफ़ी पॉपुलर हो गया, और सीज़न टू में फिर एकता कपूर मैम ने बोला कि अब तो तुम्हें बड़ा किरदार निभाना पड़ेगा। तो एक लाइन से कहते हैं ना, एक लाइन इतनी शिद्दत से मैंने बोली कि उसके चलते मुझे एक पूरा प्रॉपर रोल मिल गया। जैसा कि आपको पता है कि अपहरण में सभी मंझे हुए कलाकार हैं, अरुणोदय सिंह हैं, निधि सिंह हैं, और ये लोग सब बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं। मेरे लिए मेरा पहला तजुर्बा था कैमरे के आगे एक्टिंग करने का, तो इन सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे निर्देशक संतोष सिंह ने बहुत हेल्प किया, बहुत पेशेंटली काम हमसे लिया। तो चैलेंजिंग इसलिए था कि एक तो अपने परिवार से 25 दिन दूर सर्बिया में मैं रह रही थी, तो एक होम सिकनेस हो रही थी, और एक माँ अपने बच्चे से इतने दिन दूर काफ़ी मुश्किल होता है, पर बहुत ही परिवार जैसा माहौल था सेट पर, और सभी सहकलाकारों ने बहुत प्रोत्साहन दिया, सरलता से सिखाया कि कैसे कैमरे को फेस करना है, कहाँ से लाइट आएगी, कैसे आपको संवाद बोलने हैं, तो वो बहुत उन लोगों ने सपोर्ट किया, उसके चलते ये जर्नी पॉसिबल हो पाई। ये वेब सीरीज के प्रोमो देख रहे थे हम, ट्रेलर देख रहे थे, तो ट्रेलर में हमें आपके मुंह से जो है काफी सारी कर्स वर्ड्स भी सुनने को मिले, काफी सारी गालियां भी सुनने को मिल रही हैं, तो क्या कहें, कैसे आपने इस चीज को अपने कैसे उसमें लिया, अपने रूटीन में? ऐसे लग रहा है कि मतलब आप बहुत तो इसका श्रेय जो इतनी सारी गालियां हैं उसका श्रेय तो लेखकों को जाता है, सिद्धार्थ सेन गुप्ता और वरुण बडोला, उन्होंने ऐसे डायलॉग मेरे लिए लिखे और मैंने उन्हें बहुत मेहनत से परफॉर्म किया, और बड़ी सहजता से वो गालियां मेरे मुंह से निकली। तो लोगों को लगता है कि औरत ज़रूर गाली देती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जोक ये था किरदार का कि पहले सीज़न में भी उसको फ़ोन करके कोई गाली दे रहा है, वो गाली रिपीट करती है, और वैसे ही सीज़न टू में रुद्र श्रीवास्तव जो गालियों का भंडार हैं, वो बहुत सारी गालियां दिए जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे गिलौरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम क्या गाली दोगे, हम तुमको देकर सुनाते हैं। तो वो एक पूरा ट्विस्ट हम लोगों ने रखा था, और वो बहुत ही अच्छा काम किया, लोग बहुत हंसे। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर DMs भेजते हैं और कहते हैं कि बहुत मज़ा आ गया एकदम। आपकी बात की जाए तो मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया का आजकल जो है बहुत वो हो रहा है कि मतलब लोग जो है कोई भी आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहा है, तो जब आपने बनना सीखा, मतलब आपने चालू किया था, तो आपकी जर्नी कैसी रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, आप कैसे देखती हैं उस चीज़ को? हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती ही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी बाय चांस वाली बात थी, कि एक मीम वायरल हो गया तो उससे अपना पेज शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे फिल्म रिव्यूज़ करना शुरू किया, फिल्म रिव्यूज़ कर रही थी तो टीचर स्टूडेंट वाले वीडियो करना शुरू कर दिया जो बहुत वायरल हो गए। तो मैं बड़े ज़िम्मेदारी से ये काम निभा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई भी पॉलिटिकल तरीके की बातें मैं करूं अपने पेज पे, या कोई नफ़रत फैलाने वाली बातें करूं, मैं मजाक व्यंग के रूप में ही लोगों को एंटरटेन करना चाह रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो
कुछ लोग बहुत पसंद करते थे, कुछ लोग गालियाँ लिख लिख के भेजते थे, और स्पेशली मेरे मोटापे से कई लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और इनफैक्ट अभी भी रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, उन्होंने काफ़ी सारा बोला सोशल मीडिया पे कि अरे इनको कास्ट कर लिया, एक मोटी औरत को, कोई खूबसूरत औरत को कास्ट करते। तो ऐसी सोच जो है वो अब क्या है, किसी के मुंह पर टेप तो लगा नहीं सकते, तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले लेना चाहिए। और अगर हम आज 2022 में बैठ के लोगों को उनके शरीर के हिसाब से और उनके कलर के हिसाब से अगर जज कर रहे हैं तो बड़े शर्म की बात है। दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है, किरदार को किरदार की तरह प्यार करना चाहिए, ना कि उनके, अगर वो कहते हैं ना इनर ब्यूटी की, सब लोग बात करते हैं लेकिन घूम फिर के सुई वहीं आके अटक जाती है कि अरे खूबसूरत औरत को भेजना चाहिए था। तो इस सोच से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, पर ट्रोलर्स को मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हूँ। मैं खुश हूँ और खा खा के एकदम मोटी हो रही हूँ, तो किसी को इससे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे देखा ना कीजिए। आपके रोल की बात की जाए पार्ट टू में, तो क्या किस टाइप का रोल है और कहाँ ये अरुणोदय सिंह के साथ आप कहाँ जा रही हैं? हमें ट्रेलर में देखने को मिला कि आप सर्बिया कहीं जा रही हैं, तो क्यों, क्या क्या रीज़न है इस पर जाने का? सर्बिया इंडिया में क्यों नहीं कहानी की गई है? तो सीज़न 1 अपहरण का इंडिया में था, और इंडिया में जो रुद्र श्रीवास्तव की लाइफ में गड़बड़े होती हैं, एक अपहरण का केस होता है, तो वो बहुत ही छोटे स्केल पे कम बजट पे हम लोगों ने वो बनाया था अपहरण सीज़न 1। पर उसको इतना लोकप्रियता मिली, इतना प्यार मिला लोगों का, लोगों को कहानी बहुत पसंद आई। तो मेरा मानना है कि कहानी अगर अच्छी हो तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो जब हम सीज़न 2 लिख रहे थे तो हमको चैलेंज भी बड़ा करना था, और हम लोगों को ये भी सोचना था कि कैसे जो पहले हम देख चुके हैं उससे अलग दिखाई दे। तो तब ये सोच आई कि हम लोग इसको इंटरनेशनल लेकर जाते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ जा सकते हैं, बट सर्बिया परफेक्ट कंट्री है हम लोगों को मिली, क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ के लोकेशंस इतने खूबसूरत हैं। तो इस बार चैलेंज ये है कि रुद्र श्रीवास्तव इंटरनेशनल अपहरण करने जा रहे हैं, और उनका साथ दे रही हैं गिलोरी, और उनके साथ जा रहे हैं दुबे जी यानी सानंद वर्मा, और ये तीनों मिलकर अपने देश में, तो इनको कोई पूछ नहीं रहा है ये विदेश में जाके क्या हंगामा करेंगे, ये कहानी है। और अपने आप में वन लाइन इतना मज़ेदार है कि आप जब शो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे विदेश कंट्री में जाके ये इंडियंस पूरी भसड़ फैला रहे हैं। अपहरण 2 को देखने की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि कहानी ज़बरदस्त है। हमारा एक डायलॉग भी है कि इस बार कहानी ब्लॉकबस्टर है, तो कहानी के लिए आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात कि बाकी वेब सीरीज से अलग है, क्योंकि बड़ा मसालेदार म्यूज़िक का तड़का है इसमें, और इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं सर्बिया की कि आपको घर बैठे बैठे सर्बिया घूमने का मौका मिल जाएगा। जी इस बार सबका कटेगा दोबारा, बड़ा वाला कटेगा, तो ब्रेस योरसेल्फ, एंजॉय कीजिए सीजन 2 को, और प्लीज बताइए आप लोगों को कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपहरण 2 में क्या रीजन था आपका अपहरण 2 से जुड़ने का? तीन रीजंस थे। एक थी तनख्वाह, दूसरी थी कि मैं अपहरण सीज़न 1 में था इसलिए सीज़न 2 करना ही पड़ा, और तीन कहानी कमाल की थी और मैं जानता था कि लोगों को अच्छी लगेगी। सो अपहरण सीज़न 2। अपहरण 2 की बात की जाए तो फर्स्ट सीज़न तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, अपहरण 2 में ऐसा क्या रीज़न है जो आपको लगेगा कि हाँ अपहरण 2 भी लोगों को देखना चाहिए? आपको अपहरण सीज़न 1 अगर पसंद आया तो सीज़न 2 इज़ अ गारंटी। आपने अपहरण सीज़न 1 नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है, देखो अभी जाके देखो, इट्स बेटर, इट्स बिगर स्कोप, कहानी का ज़्यादा है, ट्विस्ट ज़्यादा है, एक्शन ज़्यादा है, मैंने डबल हड्डियाँ तोड़ी, इट्स गुड एंटरटेनमेंट। सर आपकी बात की जाए तो आपकी जर्नी की बात की जाए तो सर जिस्म से लेके सिकंदर, जिस्म जर्नी के बीच में था। अच्छा, सिकंदर से लेके अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? जनरली मज़ेदार। सर आपको मैं अपने अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करना शुरू कर दूँ ना तो पूरा दिन चला जाएगा, पूरा हफ्ता चला जाएगा। अप्स एंड डाउन सबके होते हैं, अभी भी हम यहीं हैं, नौकरी मिल रही है,
सब चीज गुड। स्टारकास्ट वाकई फिनोमिनल है, वो कमाल के काम करते हैं और बहुत मतलब कोशिश के बिना, और मुझे कोशिश करनी पड़ती है तो सब मुझे थोड़ा थका देते हैं, बट इट्स एन अमेजिंग कास्ट। सर इस टाइम अपहरण 2 में क्या क्या रहेगा, मतलब कि हम लोग ने क्योंकि किरदार तो ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ से ही है, आधी कहानी वहाँ है, और हम लोग गए थे सर्बिया शूट करने, जो कमाल का कमाल की देश है। उससे ज़्यादा क्या बताऊँगा, फिर कहानी देखनी पड़ेगी ना, कैसे बता सकता हूँ ट्विस्ट क्या है। सर अगर आपकी बात की जाए तो OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि फिल्मों से अच्छी OTT प्लेटफॉर्म्स की वो है, मतलब बीस्ट है और OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे है? ज़्यादा अच्छा या कम अच्छा है ये नहीं, लेकिन काम के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो जैसे राइटर डायरेक्टर एक्टर हम लोग सब जो लाइन में खड़े हुए थे, अब थोड़ी दूसरी लाइन बन गई है, तो वहाँ पर भी जाके काम मिल सकता है। तो कभी कभी बेहतर रहता है, कभी कभी इतना बेहतर नहीं रहता है, वो तो लाइफ है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो मतलब क्या है आपके प्रोजेक्ट? मैं भी बता नहीं सकता। सर इस शो की USP क्या रही है, लोगों को क्यों देखनी चाहिए अपहरण 2? आई एम द USP। ओके सर, सबका कटेगा दोबारा, ये टैगलाइन है सर शो की। आपको लग रहा है कि थिएटर में जो भी आएगा सबका कटेगा, शो जो भी देखेगा उसमें सबका कटेगा? मतलब एंटरटेनमेंट से कट जाए, मतलब जिंदगी में मत कटे, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट के द्वारा बिल्कुल सबका कटेगा। थैंक यू।